दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। लैंड डाइविंग का शुमार दुनिया की सबसे खतरनाक परंपराओं में से एक है। ये परंपरा वनातू आइलैंड में हजारों सालों से चली आ रही है। इस परंपरा में आदमी लगभग 100 फीट ऊंचे लकड़ी के टावर से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के छलांग लगाता है। उसके दोनों पैरों की एड़ियों के पास पेड़ की लताएं बंधी होती है। लताओं की लंबाई इतनी होती है कि आदमी का सीना धरती को छू सके। यदि उसकी लंबाई छोटी या बड़ी रह जाए तो इंसान के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस लैंड डाइविंग को आप आज की बंगी जंपिंग की पूर्वज कह सकते हैं। लैंड डाइविंग की ये परंपरा मई और जून के महीनों में निभाई जाती है। इसके लिए लकड़ियों का एक ढांचा तैयार किया जाता है। टावर को तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लग जाता है। इस पूरे समय डाइविंग में भाग लेने वाले लोग अपनी पत्नियों और सेक्स से दूर रहते हैं और महिलाएं टावर के पास नहीं जा सकती हैं। डाइविंग वाले दिन से पहली रात सारे प्रतिभागी बुरी आत्माओं से बचने के लिए टावर के नीचे ही सोते हैं। डाइविंग वाले दिन सारे प्रतिभागी नारियल के तेल की मालिश करके गले में जंगली सुअर के दांत पहनते हैं। हर साल लगभग 10 से 20 लोग यहाँ पर डाइविंग करते हैं। पूरे टावर में अलग अलग ऊंचाई पर 3-4 प्लेटफॉर्म बने होते हैं। डाइविंग की शुरुआत सबसे निचले प्लेटफॉर्म से सबसे कम अनुभवी प्रतिभागी से की जाती है और अंत में सबसे ज्यादा अनुभवी प्रतिभागी से सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म से की जाती है। जब आदमी डाइविंग करते हैं तब औरतें घास के बने कपड़े पहनकर नाचती हैं। इस डाइविंग में 7 साल की उम्र से बच्चे भाग लेना शुरू कर देते हैं। सबसे ऊंचाई से कूदने वाले जंपर लगभग 72 किलोमीटर की रफ्तार तय कर लेते हैं। डाइविंग करते समय प्रतिभागी अपने दोनों हाथों को चोट लगने से बचाने के लिए अपने सीने के आगे कर लेते हैं और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि जमीन पर छाती वाला हिस्सा पहले टकराए। इस परंपरा की शुरुआत से जुड़ी कहानी अपने आप में काफी रोमांचक है। इस परंपरा की शुरुआत तमली नाम की एक महिला के अपने पति से नाराज होकर घर से भाग जाने से शुरू हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि तमली अपने पति से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की आदत से बेहद परेशान थी। यहाँ की किंवदंतियों में तमली के पति को काफी बलवान और ताकतवर पुरुष के रूप में दिखाया गया है। पति से असंतुष्ट टमली एक दिन घर से भागकर जंगल में चली गई। टमली के पति ने उसका पीछा किया तो वह जंगल में ही एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। पत्नी को पेड़ पर चढ़ता देखकर पति भी गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। ये देखकर टमली ने अपने पैर जंगल की लता से बांधे और पेड़ से छलांग लगा दी और उसे छलांग लगाते देखकर उसके पति ने भी पेड़ से छलांग लगा दी। टमली ने अपने पैरों को पेड़ की लताओं से बांधा हुआ था, इसलिए वह बच गई, लेकिन उसका पति नहीं बच पाया। पेड़ से छलांग लगाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तब से यहाँ के लोग लैंड डाइविंग करते आ रहे हैं ताकि उनके साथ वैसा धोखा दोबारा ना हो। लैंड डाइविंग की यह परंपरा कई मान्यताओं से जुड़ी हुई है। एक और मान्यता के अनुसार जो भी इंसान इस परंपरा को सफलतापूर्वक निभाता है वह भविष्य में अनेक बीमारियों से मुक्त रहता है और उसकी मर्दानगी बाकी लोगों से ज्यादा होती है। दूसरी मान्यता के अनुसार रतालू नामक सब्जी के उत्पादन से जुड़ी है, जिसके अनुसार माना जाता है कि यदि संपूर्ण परंपरा अच्छी तरह से पूरी हो जाती है तो उस साल रतालू की फसल बहुत अच्छी होती है। हर साल होने वाली ये लैंड डाइविंग अब एक टूरिस्ट इवेंट बन चुकी है। इसे देखने के लिए पर्यटकों को $125 फीस चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये वनातू लोगों के लिए कमाई का बेहतरीन जरिया बन चुका है। इसलिए अब लैंड डाइविंग अप्रैल से जून तक हर सप्ताह की जाती है, लेकिन साथ ही साथ रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर पर्यटक चाहें तो वह भी डाइविंग में हिस्सा ले सकते हैं।
लेकिन जान के जोखिम को देखते हुए बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं। साल 2006 से यहाँ पर फोटोज और वीडियोस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।